अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमिग्रेशन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि वो लोग अभी इमिग्रेशन का सपना छोड़ के उनका इमिग्रेशन हो भी जाएगा। जिनका इमिग्रेशन अभी तक हो गया, वीज़ा स्टम्पिंग हुए महीना दो महीना हो गया, अभी तक उनका इमिग्रेशन नहीं हुआ, तो भूल जाए कि उनका इमिग्रेशन होगा। उनका इमिग्रेशन अभी फ़िलहाल के लिए इंशाल्लाह होगा भी नहीं। चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें, उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा वीज़ा स्टम्प भी करवाना पड़ेगा और बहुत लंबा प्रोसेस है। तो समझ जाइए कि आपका इमिग्रेशन नहीं होने वाला। इसका सबूत मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, आपको बताने भी वाला हूँ कि क्यों नहीं होगा आपका इमिग्रेशन दोबारा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले कुछ महीना पहले नॉर्मली मेडिकल नॉर्मली आपका इमिग्रेशन हो जाता था। आपको लोगों को समझ में आ रहा था कि बस इमिग्रेशन नॉर्मली हो जा रहा, हमें यानी इमिग्रेशन चालू है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नॉर्मली पहले भी नहीं इमिग्रेशन नहीं हो पा रहा था। पहले क्या होता था, साइड से पैसे खिलाकर, घूस देकर, रिश्वत देकर, किसी भी तरह से दो नंबर से इमिग्रेशन लोग कर लेते थे और चले जाते थे सऊदी अरब आराम से। लेकिन जब गवर्नमेंट को इस बारे में शक हुआ तो बिल्कुल वो टाइट कर दी, कानून बिल्कुल लागू कर दिया कि बगैर साइट से कोई भी इमिग्रेशन नहीं करा सकता। इसके वजह से अभी लोगों को ये लग रहा है कि अभी भी इमिग्रेशन बंद है। लेकिन मेरे भाई, मैं बहुत दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इमिग्रेशन बंद नहीं है, चालू में मैंने इसका सबूत बहुत सारे वीडियो में दे दिया है। और इमिग्रेशन किन लोगों का हो जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जिनका भी कंपनी या फिर कपिल ई माइग्रेट के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, उनका इमिग्रेशन होने जा रहा है, बिल्कुल बेफिक्र होके वो चाहे जैसे भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। उनका इमिग्रेशन नहीं रुकता, तुरंत इमिग्रेशन हो जाता है। लेकिन जिनका कपिल या कंपनी ई माइग्रेट के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है, पहले वो रजिस्टर्ड करेगी, उसके बाद ही आपका इमिग्रेशन होगा। क्योंकि जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं करेगी ई माइग्रेट के वेबसाइट पर, तब तक आपका इमिग्रेशन होने वाला नहीं है। आप ये समझ जाइए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग वाया दुबई होकर चले जाइए, सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी इसके इंतजार में बैठे हैं कि इमिग्रेशन चालू होगा, क्योंकि एजेंट लोग आपको बोल कर रखे हैं कि जैसे इमिग्रेशन चालू होगा आपका इमिग्रेशन में करा दूंगा। लेकिन इमिग्रेशन जब बंद रहेगा तब तो चालू होगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो ई माइग्रेट के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो रजिस्टर करने की कोशिश भी करें, जिनका रजिस्टर्ड हो जाएगा वो उनका इमिग्रेशन हो जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनका इमिग्रेशन नहीं होगा। ये बस यही रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, मैं बार बार हमेशा टाइम टू टाइम मैं आपको इसके बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो आप ये भूल जाइए कि जब तक आपका कंपनी या कपिल इमाइग्रेट के वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करेगी आपका इमिग्रेशन नहीं होगा। जिस दिन आपका कपिल या फिर आपका कंपनी इमाइग्रेट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो गया कर लेगा अपने आप को, उस दिन कोई बिना किसी बेवजह के, बिना किसी परेशानी के आपका इमिग्रेशन तुरंत एक दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इमिग्रेशन होने में ज़रा टाइम लगता नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका कपिल या कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है इमाइग्रेट के वेबसाइट पे, तो अपने एजेंट को किसी भी तरह से रिक्वेस्ट करके बोल दीजिए भाई अभी मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, हमें वाया दुबई भेज दीजिए। क्योंकि अगर आपका एक बार वीज़ा एक्सपायर हो गया तो बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे आपके, बहुत सारे टाइम बर्बाद हो जाएंगे। उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर होने के बाद आपका जो है वीज़ा कैंसिल कराना पड़ेगा, उसका कैंसिलेशन चार्ज भी लगता है, और उसके बाद से आपका फिर दोबारा मेडिकल होगा, फिर आपका PCC होगा, फिर वीज़ा स्टम्पिंग के लिए भेजेंगे, उसका खर्चा कुल मिला के 30,000 रुपये तक आपका खर्चा पड़ जाएगा अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया। तो कोशिश करें किसी भी तरह से वाया दुबई हो के या फिर किसी और कंट्री से हो के आप सऊदी में एंट्री कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया, सब नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।